हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AIS एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और अभी हम बात करेंगे इग्नू के रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि 16 अप्रैल 2020 की डेट में ओपन हो गया है। किन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है, किन को नहीं करना है, ये कंप्लीट डिटेल में भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल AIS एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी हम बात करते हैं इग्नू के रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। आपको लाइव में दिखा रहा हूँ कैसे फॉर्म ओपन करना है, कहाँ पर मिलेगा ये सब डिटेल्स। फ्रेंड्स, री रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे आपको www.ignu.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको रजिस्टर ऑनलाइन ऑप्शन पे जाना है। टॉप में लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे जैसे ही आप री रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, री रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पोर्टल या विंडो ओपन होगी, री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2020 सेशन। इसमें लास्ट डेट 30 जून 2020 दिया गया है अभी। और इसके अभी चेंज के बारे में बात करते हैं, तो री रजिस्ट्रेशन के पोर्टल में बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है अब की बार से, जुलाई 2020 सेशन से। पहले ये अदर प्रोसेस से होता था, बहुत ईजी होता था, इजीली इनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड डाल के आप लोग कर सकते थे। लेकिन अभी इसमें प्रोसीजर को थोड़ा सा कम्प्लेक्स किया गया है। और इसमें अभी आपको री रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो भी री रजिस्ट्रेशन करना चाहता है उनको इस पोर्टल पे अभी न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करके प्रोसीड करना पड़ेगा और अपना करेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और मोबाइल नंबर का इवन OTP आके वेरीफाई होगा, उसके बाद ही वो ऐड होगा, ताकि जो आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं या कन्फर्मेशन को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा जा सके। पहले मोबाइल नंबर पर मैसेज वगैरह नहीं आता था इतना, तो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नया पॉइंट ऐड किया गया है कि आप मोबाइल नंबर OTP के द्वारा वेरीफाई होकर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर प्रोसीड करके आपको ऐड करना है अपना सभी डिटेल्स, ताकि यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसिप्ट शेयर की जा सके। सेकंड है कि जो भी आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सेलेक्ट करें और प्रोग्राम गाइड को अच्छे से पढ़ लें, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। और एक बार ये चेंज हो जाता है तो दोबारा चेंज करने में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरने पड़ते हैं, मेल करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा कि एक बार ही अपना अच्छे से कोर्स कोड सेलेक्ट करके ईजिली कर लें। थर्ड पॉइंट दिया गया कि यूनिवर्सिटी ने पिछली बार भी दिया था, जो स्टूडेंट डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, उनको 15% फीस पर डिस्काउंट दिया गया है। वो स्टूडेंट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि बाद में ये ऑप्शन चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो एक बार वो सोच ले, क्या वो कम्फर्टेबल है पढ़ने के लिए मोबाइल से या डिजिटल मटेरियल से। अगर वो कम्फर्टेबल हैं तो वो डिजिटल मटेरियल ऑप्ट करें और 15% फीस डिस्काउंट ले सकते हैं एडमिशन के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी ऑप्शन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको ध्यान से करें, OTP को अपना शेयर ना करें। आप बेटर होगा आप अपनी UPI या नेट बैंकिंग या भीम ऐप यूज़ करें और पेमेंट कर दें। लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, पोर्टल के इमीडिएटली अपना जब भी आपको टाइम लगे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हैं, अगर वो अपडेट नहीं होती है तो 1-2 दिन वेट करें, उसके बाद ही दोबारा पेमेंट करें, क्योंकि 1-2 दिन लग जाते हैं, 48 घंटे तक का टाइम लग जाता है अपडेट होने में कई बार। अगर एक बार आपका पेमेंट कट गया है तो आप वेट करें 1-2 दिन के लिए। और अगर आपने 2 बार भी पेमेंट कर दिया है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी एक पेमेंट रिफंड कर दी जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आप थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, साइबर कैफे और कुछ और, तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ से रिसिप्ट लेना ना भूलें और पेमेंट कन्फर्मेशन पेज की प्रिंट आउट लेना ना भूलें, क्योंकि आपको फ्यूचर में कोई भी इनकन्वीनियंस होती है तो आपको इन्हीं के द्वारा आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि री रजिस्ट्रेशन अभी कुछ प्रोग्राम के लिए नहीं ऑन हुआ है, ओपन फॉर्म नहीं हुआ है, वो प्रोग्राम्स में बता देता हूँ आपको। MBA बैंकिंग, PG स्पेशलाइजेशन डिप्लोमाज, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, MSW, MTTM, मास्टर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड BCA, BA.com, BSc ओल्ड पैटर्न, जनवरी 2000 सेशन तक के जो स्टूडेंट इनमें एनरोल्ड हुए थे, और BCA के लिए। इन सभी स्टूडेंट्स के लिए, इन सभी कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए अभी री रजिस्ट्रेशन फॉर्म 25 अप्रैल 2020 तक अवेलेबल करा दिया जाएगा। अभी तक वो अवेलेबल नहीं हो पाया है, तो ये एक नया पॉइंट था, नई इन्फॉर्मेशन थी। तो इसमें जैसे ही आप आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस गिवन अबोव पे क्लिक करेंगे, तो इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग इमीडिएटली देखेंगे कि मैंने जैसे ये क्लिक किया, प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, एक नया पोर्टल ओपन हो गया और इसमें लिखा गया यूजर नेम, इनरोलमेंट नंबर, और इसमें लिखा है एंटर बिलो डिटेल्स टू प्रोसीड सेलेक्ट प्रोग्राम। तो जैसे मैं MPA प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, तो MPA मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओपन डिस्टेंस लर्निंग का, इनरोलमेंट नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ, ये मैंने इनरोलमेंट नंबर एंटर कर दिया इसमें, उसके बाद मैं सबमिट पे प्रोसीड करूँगा।
अब जैसे इसमें देखो वो मोबाइल नंबर मेरा था, मैंने डाला हुआ था, उस पर OTP चला गया है और मेल भी चली गई है। ऊपर लिखा भी है कि मेल सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सक्सेसफुली, ईमेल आईडी भी दिखा रहा है और OTP मेरे फ़ोन पे आ चुका है। मैं जैसे ही एंटर करूँगा, OTP एंटर कर रहा हूँ अभी, 9007741। तो जैसे ही OTP एंटर किया, अभी पासवर्ड मांगा, एक पासवर्ड मुझे सेलेक्ट करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था मैंने पहले, दो बार आपको दोबारा में कंफर्म पासवर्ड करना है, कंफर्म पासवर्ड में कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो अब लॉगिन का ऑप्शन आ गया है, साइन इन का। अभी इनरोलमेंट नंबर आपका साइन इन आईडी होगा, यूज़र आईडी। अभी मैं जैसे लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं अपना पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग देखेंगे कि जैसे ही आप इसमें कैप्चा और दिया गया, कैप्चा भी आपको करेक्ट एंटर करना है, XUWUPA। अभी मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अब जैसे ही मैंने कैप्चा एंटर किया, जैसे कैप्चा एंटर करने के बाद मैंने इमीडिएटली देखा कि ये मेरा विंडो ओपन हो गया, एक और नया पोर्टल। कंप्लीट डिटेल है इसमें, पहले डैशबोर्ड पे कोर्स कोड है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरली मैंसनड है इस पर। उसके बाद सेकंड में प्रोफाइल है, थर्ड में कोर्स डिटेल है, फोर्थ में रजिस्ट्रेशन और फाइव में सर्विसेज है। सबसे पहले डैशबोर्ड में ये डैशबोर्ड में कोर्स की डिटेल्स अवेलेबल है, जैसे इसमें दिखा रहा है कि MPA मास्टर ऑफ आर्ट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरी कोर्स की डिटेल भी हो जाएगी, आपके फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट कोड थे, जैसे आप देख भी सकते हैं कि आपका स्टडी सेंटर क्या, प्रोग्राम टाइप है आपका, कौन सा मोड है, कंप्लीट डिटेल्स इसमें मैंशनड है कौन कौन सा। तो इसका तो री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर ऑलरेडी हो चुका है इनरोलमेंट नंबर का, इसलिए इसमें डिटेल्स कंप्लीट शो कर रहा है। अदरवाइज जिन स्टूडेंट्स को अभी सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना होता तो उनकी अभी ये फर्स्ट ईयर की डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती, जो यहाँ सेकेंड ईयर की भी दिखा रही है अभी। और उनको अभी फर्दर री रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो उसके बाद उनका यहाँ पे पोर्टल यहाँ पे अवेलेबल हो जाता फॉर्म, और वहाँ पे उनको अपने सब्जेक्ट कोड सबमिट करने होते। तो इस इनरोलमेंट नंबर का री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे लिख रखा क्लियर यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर मैक्सिमम ईयर, तो इसका कंप्लीट है। इसलिए अदरवाइज यहाँ पे फॉर्म खुलता, वहाँ पे आप अपने कोर्स कोड प्रोस्पेक्टस को रिफर करके आप सेलेक्ट कर सकते थे स्क्रॉल डाउन मेन्यू से, और अपना उसमें पेमेंट करके प्रोसीड करते, बस इसमें यही था। और अभी मैं ये बता देता हूँ कि किन किन स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स इग्नू में जुलाई 2019 में MA BA BDP BCOM BSc या मतलब जो भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनमें रजिस्टर हुए थे, और जिस कोर्स की ड्यूरेशन मिनिमम 2 ईयर एंड अबव है, उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर की फ़ीस तो उन्होंने पे कर दी थी यूनिवर्सिटी को, और सेकेंड ईयर की अभी पेंडिंग है, तो उनको अपनी सेकंड ईयर की फीस पे करनी है और अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं जो उनको सेकंड ईयर में अभी पढ़ने हैं, एग्जाम देने, जिनके असाइनमेंट जमा करने हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन है। और जो स्टूडेंट्स 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स में, 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन हो रखे हैं, उनको री रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स आपको अगर कोई भी डाउट री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, और कैसे करना ये इवन इसमें डायरेक्टली लाइव दिखा के कंप्यूटर से ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे री रजिस्ट्रेशन करना है। तो एक बार फिर री रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, रजिस्टर ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन एंड यहाँ पे फॉर्म ओपन होगा, इंस्ट्रक्शंस आएंगे और उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स अबाउट री रजिस्ट्रेशन इन इग्नू। अभी जुलाई 2020 सेशन के री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 जून 2020 है, तो जो स्टूडेंट्स चाहें वो री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना भी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इग्नू की हर डिटेल हम आपको अवेलेबल करवाएंगे इस चैनल पे।